तो दोस्तों आज रॉकी और रानी की प्रेम कहानी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, जिसे हम दोनों देखे हैं। कैसी है मूवी इसके बारे में रिव्यू करेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम सबसे पहले बात करेंगे रॉकी और रानी यानी कि आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में जिस तरीके से दिखाया जाता है कि रणवीर सिंह की एंट्री होती है और काफी ग्रैंड स्केल पर इसको फिल्माया गया है। आप लोगों को तो पता ही है करण जौहर की जो भी मूवी होती है उसमें कितना लार्जर देन लाइफ करके कैरेक्टर को दिखाया जाता है। तो रणवीर सिंह एक पंजाबी फैमिली से होते हैं और काफी रिच फैमिली से होते हैं, और जिस तरीके से उनकी एंट्री दिखाई जाती है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। खास तौर से उनके कपड़े पहनने का स्टाइल और बॉडी जो दिखाते हैं ना, उन्होंने बॉडी शॉर्टिंग रख रखी है, वो बहुत ही ज्यादा मजेदार लग रही है। और साथ ही साथ दोस्तों रणवीर सिंह इस मूवी के अंदर एक पंजाबी फैमिली से होते हैं यानी कि रंधावा फैमिली से, और जिस तरीके से रणवीर सिंह ने करेक्टर पकड़ा है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। हंसाते हुए नजर आते हैं रणवीर सिंह और जिस तरीके से वो बात करते हैं ना, वो एक लगता है कि दिल्ली की पंजाबी फैमिली का लौंडा बात कर रहा है। तो वहीं आलिया भट्ट एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करती है जिसमें उनका नाम रानी चटर्जी है, जो बहुत चुलबुली और एक सेल्फ कॉन्फिडेंट लड़की है। इसके साथ ही वो एक एजुकेटेड फैमिली को बिलोंग करती है और वो एक न्यूज एंकर की भूमिका में है। दोस्तों इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और दोनों का इंट्रोडक्शन के बाद दिखाया जाता है कि उन लोगों की लव स्टोरी किस तरीके से शुरू होती है, वो हम लोग यहाँ पर रिवील नहीं करेंगे क्योंकि एक तरीके का स्पॉइलर हो जाएगा। मूवी देखिएगा तब आपको पता चल जाएगा। बाकी मूवी के अंदर आपको जया बच्चन और सवाना आजमी और धर्मेंद्र की भी मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। बाकी दोस्तों इस मूवी के अंदर ज्यादा करेक्टर नहीं है, बहुत ही गिने चुने करेक्टर दिखाई देने वाले हैं। रणवीर सिंह की माँ दिखाई जाती है, बहन, दादी और पिताजी दिखाए जाते हैं। तो वहीं आलिया भट्ट की फैमिली में उनकी मदर और फादर के साथ उनकी दादी भी दिखाई देती है। बात करें इन लोगों की परफॉर्मेंस के बारे में तो इन लोगों ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दिया है और समय को बांध कर रखती है। स्टोरी का स्क्रीन प्ले जो लिखा गया है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हालांकि फर्स्ट हाफ में इंटरवल से पहले थोड़ी सी मुझे स्टोरी ऐसी लग रही थी कि थोड़ा नीचे जा रही है, लेकिन दोस्तों इंटरवल के बाद जो मूवी के अंदर चेंज आता है वो फिर से एक बार ऑडियंस को पकड़ लेता है। मूवी काफी कलरफुल है जिसमें पुराने गानों की एक झलक भी दिखाई गई है। दोस्तों इस मूवी के दो सॉन्ग बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं जिसमें कि पहला सॉन्ग है वर्ड झुमका और तुम क्या मिले। दोनों ही सॉन्ग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और जिस तरीके से इन सॉन्ग को फिल्माया गया है ना वो काफी ज्यादा बड़े स्केल पर फिल्माया गया है। तुम क्या मिले अगर आप स्क्रीन पर देखोगे सॉन्ग तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। वैभवी मर्चेंट ने इसकी कोरियोग्राफी की है और कोरियोग्राफी जो की है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी के अंदर पुराने सॉन्ग का तड़का भी लगाया गया है जो कि आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन करेगा। ये मूवी एक फैमिली एंटरटेनर है। लेकिन दोस्तों इस मूवी के अंदर कुछ किसिंग सीन्स भी दिखाए गए हैं जो कि 3-4 बार दिखाए गए हैं। मूवी के अंदर आपको इमोशंस, ड्रामा और फैमिली का बॉन्ड दिखाई देगा। दोस्तों इस मूवी के अंदर ये भी दिखाया गया है कि हर एक इंसान की एक अपनी वैल्यू होती है, उसके सपनों को नहीं दबाना चाहिए, उसे आजाद छोड़ना चाहिए, जो उनको अपनी लाइफ में करना है उनको करने देना चाहिए। इसके साथ ही साथ इस फिल्म में जेंडर इक्वालिटी को भी दिखाया गया है। दोस्तों मजा तब आता है इस मूवी के अंदर जब दोनों ही यानी कि आलिया भट्ट पंजाबी फैमिली में जाती हैं और रणवीर सिंह बंगाली फैमिली में आते हैं। किस तरीके से वो दोनों फैमिली को मनाते हैं वो स्ट्रगल इसके अंदर दिखाया गया है और काफी ज्यादा कॉमेडी भी दिखाई गई है। इसमें कुछ बेइज्जती भी हुई है इस मूवी के अंदर, वो आप देखना। दोस्तों इस मूवी के अंदर धर्मेंद्र पाजी का भी किरदार दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा अच्छा है। और बात करें करण जौहर के डायरेक्शन की तो मूवी को काफी अच्छे तरीके से उन्होंने डायरेक्ट किया है। अभी तक उनकी जो पिछली मूवी हैं कुछ कुछ होता है और कभी खुशी कभी गम जैसी मूवी आज भी याद की जाती है और जब भी मूवी टीवी पर आती है तो लोग इसे खुशी से देखते हैं। लेकिन रॉकी और रानी की प्रेम कहानी क्या वही जादू क्रिएट कर पाएगी या नहीं, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि कभी खुशी कभी गम और कुछ कुछ होता ही जैसी ही इस मूवी की भी स्टोरी है। लेकिन दोस्तों ऐसा लगता है कि मूवी वैसा एक ट्रेडमार्क बेंचमार्क सेट नहीं कर पाएगी क्योंकि वो मूवी एक अलग थी और ये मूवी मजेदार इतनी नहीं है जितनी वो मूवी थी। फिलहाल दोस्तों हमारी तरफ से इस मूवी को मिलते हैं 3.5 स्टार। आप लोग ने अगर मूवी देखी है कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए फिल्मी फाइल्स को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिए।